आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी गीजर का जो थर्मोस्टेट है और जो ऑटो कट ऑफ है उसको आप बिना पानी के पता कर सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप इन थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ को देख सकते हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक तो मैंने वायर लगा लिया है और जो दो यहाँ पे साइड में बोल्ट है इन दोनों पर हम यहाँ पे सीरीज का जो वायर है वो लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए इन दोनों साइड में जो यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं इस पर मेरे पास एक सीरीज के दो वायर है उसको लगा लेता हूँ। आप इसकी जगह मल्टीमीटर को भी यूज कर सकते हैं परंतु मैंने यहाँ पे सीरीज लगाई है ताकि मैं आपको सही से बता सकूँ कि ये जो थर्मोस्टेट है वो जब भी काम नहीं करे तो कैसे पता चलेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो है सीरीज और दूसरा यदि आपके पास मीटर है तो आप मीटर से भी पता कर सकते हैं। मीटर के दो तार यहाँ पे जहाँ पे हमें सीरीज का लगाए वहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पे एक साइड में ऑटो कट ऑफ है तो एक साइड में थर्मोस्टेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थर्मोस्टेट को चेक करने वाला हूँ कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइटर है जो कि यहाँ पे आग जलाने वाला है। तो यहाँ पे इस लाइटर को आपको क्या करना है कि चालू करके इसका जो किनारा है इसको यहाँ पे आपको गर्म करना है। तो यहाँ पे आपको इस लाइटर को चालू रखना है, वो भी आप जब सीरीज के अंदर वायर लगाते हैं उसके बाद ऐसे आपको चालू रखना है। और यहाँ पे जब भी ये जो थर्मोस्टेट है वो यदि काम करता है तो यहाँ पे जो ये लाइट है वो ऑटोमेटिक बंद होने वाली है। तो यहाँ पे जब ये थर्मोस्टेट गर्म हो जाता है तो यहाँ पर सीरीज ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और जब भी यहाँ पे थर्मोस्टेट ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे सीरीज वापस चालू हो जाती है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो सही से काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गर्म होने पर ये बंद हो रहा है और ठंडा होने पर ये ऑटोमेटिक चालू हो रहा है, मतलब हमारा जो थर्मोस्टेट है वो सही से काम कर रहा है। इसी प्रकार से आप ऑटो कट ऑफ को भी चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। परंतु यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ऑटो कट ऑफ के अंदर आपका जो ये जो कट ऑफ है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, उसको आपको मैनुअल पीछे से चालू करना होता है। ये ऑटोमेटिक चालू नहीं होता है, ये केवल बंद होता है। उसके बाद चालू करने के लिए आप इसका जो पीछे बटन है उसको आपको दबाना होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।